पता नहीं कैसे पागल हो गए। Someone who wants us to feel her love. You think she's related to the moons? I don't know. It's kind of fucking. कौन सी वाली लेके आया था वो? तो क्या पहले ही देख लिया था क्या? हमारे उधर तो धड़ल्ले से जा रही थी, कोई टेंशन नहीं थी उधर, कोई ज्ञान टेन लोग आ जाते थे। उस शुरू शुरू में रेटे भी ज्यादा कोई ले नहीं रहा था, फिर जब पता पड़ा नहीं और ज्यादा बढ़ी है ये तो और दोबारा बढ़ेगा, तब जाकर के इधर रेटे बढ़ानी चालू कर दी थी उसके बाद में। डबल डबल के आसपास गई थी रेट, फिर भी लोग बात ले रहे थे। होगा तो गया भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, आप चांदपुर में गया ना, सब सारी दुकानें बंद थी, एक दुकान खुली नहीं थी। कल ही तो जाके आया शाम को, शाम को गया था मैं 4-1 बजे, एक मेरे दोनों छोरे गए सारे, मतलब कोई पान वाला नहीं था, जूस वाला वगैरह जितनी भी दुकान थी सब बंद थी, पूरा मार्केट बंद था चांदपुर का, पूरे एक भी दुकान खुली। कहाँ मरे अपने, यहाँ तो कोई नहीं मरा। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, हाथी ज्यादा तो खरीद सकते हैं। ये लोग बता दूं आपको, ये अपना इसको उठा के ले गए, इसको कोई बीमारी थोड़ी सी। स्टॉप ट्रिप वायर, ऐसे पता नहीं कितनों को उठा के ले गए। कैच, दे आर ऑल ओवर, प्रोबब्ली फॉर इन्फेक्टेड, स्टिल वन रॉन्ग स्टेप। संभल भैया क्या बोलते हैं, कैसे क्या सुंदराम के वहां पे इनकी लाइन तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई ना, ये सीजन पूरा गया इनका। वही है मेन चीज़, बस यही है, सही है, यही है, यही तो है लोड। कोई टेंशन नहीं था, मतलब मान लो 60-70 हज़ार तो चाहिए चाहिए, गाड़ी की किस्त है, किसका है, चोरे की तनख्वाह है, स्टाफ की सैलरी है, लाइटों के बिल आ रहे हैं, खाली करना पड़ा। अब इतनी बिल्डिंग कहाँ से रखते हैं यार अपन, तो कर दिया सारा, कर दिया। उसके लिए तो मैं पहले बोल रहा था, उसको तो पहले खाली कर देते तो थोड़ा तो काफ़ी बचता भी 4-5 महीने में। कौन सा ये लट्टू के पीछे 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 वाला सही है, पास का पास में कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते का ये विवादित है ना जगह, लेकिन कल को रास्ते लेकिन इस बाग को खरीदने वाला पार्टी भी तो ऐसे होनी चाहिए, कोई अकेला तो मेरे को नहीं लगता पूरे जयपुर में कोई अकेला ऐसा बंदा होगा जिसको खरीद नहीं है साहब, क्या वैल्यू मान जाओ 5,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यू इसकी, कम से कम देने वाले जयपुर में कौन है? Yeah. फिर उसके ऊपर अभी आपने देखा होगा अपने ये, हाँ वो ग्रुप में इसको खरीद सकते हैं सारे के सारे बिल्डर लोग, क्योंकि वो सब अपने अपने इलाका बांट करके अपने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे उसके अंदर। बाकी अभी कई अगर प्रोजेक्ट अटक जाए, अभी ये राजपूतान सिरेटन के बाहर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अटका हुआ, आपने देखा होगा बिल्डिंग, उसको पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ, बेचारे का कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा आज से कितने सालों पहले। कंस्ट्रक्शन की कीमत ही कम से कम भी 40-1 करोड़ तो कंस्ट्रक्शन की कीमत ही होगी उसकी, कितनी वो बना रखा है उसने, बर्बाद हो गया वो तो बेचारा पूरा। जमीन की कीमत
मेन राजपूताना होटल शेर के बिल्कुल आगा करके राउत होटल वाले के पीछे, और कंस्ट्रक्शन की देखो उस टाइम पे बंदा क्या बनाना चाह रहा था वहाँ, क्या पता होटल ही बना रहा हो जैसा लगता है, बड़ी होटल ही बना सकता है। वो दौर था होटलों का, वरना आज तो सारी 5 स्टार होटल पर बोल रहे हैं, ओम टावर वाले के दिन तो सारे स्टाफ बगा दिया था। एक तो सैलरी भी दी थी। Are you okay? Yeah. सही है, सही है। वही आदमी जीतने आते हैं। जाता है वो तो है। अगर ये 1 महीने के अंदर वापस चालू नहीं होना मामला तो अपना MI रोड है ना ये पूरा साफ हो जाएगा। आप देख लेना MI रोड में क्या किराया मानते हो आप, 4-5 लाख रुपये मंथली रेंट है, बड़े बड़े शोरूम हो गए, कहाँ से चुका देंगे शोरूम वाले, शोरूम पहले कमाई नहीं उनके पास। शुक्रिया अंकुर भाई, अंकुर गमित भाई जा रहे हो, और क्या आजकल यही काम है बस। तो अभी वहाँ ट्रांसपोर्ट में माल किसमें किसके साथ भेज रहे हो आप, क्या क्या ले रहा है वो नक्के, क्या हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम ही नहीं है तो बढ़िया, हमारे तो प्रेस की गाड़ी आती है उसे पटक देते हैं वो ले जाता है, अभी थोड़ी देर में फ़ोन कर देगा। और ये बस ये है कि रोडवेज बंद होने के साथ रोडवेजों में माल जाना बंद हो गया। आ गया फोन ही आ गया उसका। हाँ हेलो, हाँ भाई कोल्स ऑफ ड्यूटी थोड़े ना यार, मैंने कब कहा ये कोल्स ऑफ ड्यूटी है यार। इसको मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इसको इनको कहीं मैं स्ट्रीमिंग कर भी रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अकेला ही खेल रहा हूँ यार। भाई ये कौन आ गया भाई, ये कौन कोक, ये क्या हुआ भाई, इसकी वहां का किसने फेंका, वहां पे था कौन यार, इसकी वहां का कौन था भाई, वहां ये कौन था यार वहां पे।
आखिर बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद ही खेल रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो क्षितिज माथुर भाई, क्षितिज यार दोनों की स्पेलिंग ही बिल्कुल अलग अलग है, बट हाँ भाई बिल्कुल सही है क्षितिज भाई। दोनों का नाम क्षितिज है भाई, अब क्षितिज के अंदर से ओरिजिनल स्पेलिंग कौन सी है इसके अंदर कि माँ का यार हेंचू बड़ी बड़ी घासों में वो नजर नहीं आ रही मेरे को यार, घासों में भी कोई ये लैंडमाइन छिपाता है क्या यार? श्री हेलो क्षितिज भाई, सुन रहा हूँ ना क्षितिज भाई, बोलो भाई क्षितिज भाई, बोलो बोलो भाई क्षितिज माथुर भाई, there's a TV station. Shit. Stay down there. These stairs are wired up. Can you detonate them? Not here. We're not being subtle right now. Maybe Leah will come to us. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Stay low. Feels empty. I don't buy it. Huh?
fuck. It's brutal. Tommy do this? Let's get inside. This is definitely not Tommy. I don't know. But it's a message. I hope not. Keep your eyes open. हेलो नैतिक भाई, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, भी इतने सारे ज़ॉम्बीज को यहां ऊपर पांड में जो फांसी पे कौन लटकाया गया यार ज़ॉम्बीज को भाई। हेलो जीत भाई, साला ज़ॉम्बी को भी फांसी पे चढ़ा के लटका के ले गए यार। या तो मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी बनने से पहले इनको फांसी पे लटकाया है, अब पता नहीं यार। भाई इस गेम का नाम है आखिरी बचे हम दो, शायद यही नाम है इसका। अच्छा क्षितिज भाई, मेरे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो आप हमको बताने का मैंने सही कहा या गलत कहा भाई। आखिरी बचे हम दो, क्या यही नाम है किस गेम का? ओरिजिनल मीनिंग तो वही बता सकता है ना यार, जो वाकई में